अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मजमून पढ़ रहे हैं खेले करे और सीखे, जिसमें हम खेलों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत से खेलों के लिए जाना जाता है और इसमें बहुत से माहिर खिलाड़ी गुजरे। जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और इस ज़माने में विराट कोहली, ज़हीर खान, इरफान पठान, श्री संत और वगैरह वगैरह। अगर हम टेनिस की बात किए तो सानिया मिर्ज़ा, बैडमिंटन की बात किए तो सानिया नेहवाल। अगर हम पुराने ज़माने में हॉकी की बात करते हैं तो ध्यानचंद, जो कि बहुत मशहूर खिलाड़ी थे। कुश्ती और एथलेटिक्स में अगर हम देखें तो खाशाबाद जाधव, जो कि बहुत माहिर खिलाड़ी थे। ये सब खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के, अपने मश्क के बलबूते पर महारत हासिल की। इसी तरीके से बहुत से खेल हमारे हिंदुस्तान में खेला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेल हमारे हिंदुस्तान में खेला जाता है, जिसको हम गली में, मैदान में, घरों में भी खेलते हैं, वो है क्रिकेट। आज हम क्रिकेट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्रिकेट एक इंटरनेशनल गेम है। जैसे कि अभी फ़िलहाल ICC T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सब जानते हैं कि हमारी इंडिया टीम उसमें बहुत बेहतर तरीके से अपना फॉर्म दे रही है, सबसे अव्वल नंबर पर है। इसी के साथ साथ क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके ज़रिए सेहत और तंदुरुस्ती, चाहे वो जहनी हो या चाहे जिस्मानी हो, दोनों बरकरार रहती है। क्रिकेट को तीनों फॉर्म में खेला जाता है, वनडे, टेस्ट और T20। क्रिकेट दो टीमें एक साथ खेलती है, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरी टीम में 11 खिलाड़ी। क्रिकेट का मैदान हम देख सकते हैं किस तरीके से होता है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ इसमें सबसे पहले टॉस होता है। जो टीम टॉस जीतती है वो ये तय करती है कि उसको बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है। अगर वनडे है तो 50 ओवर का मैच होता है, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, एक बॉलर बैट्समैन को 6 बॉल डालता है। जो टीम बैटिंग करने आती है वो 2 बैट्समैन के साथ ग्राउंड में बैटिंग करने के लिए उतरती है। इसी तरीके से खेल के बहुत सारे रूल हैं, जिसमें 11 खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, एक कीपर होता है, एक बॉलिंग डालता है और 2 बैट्समैन बैटिंग करते हैं। वनडे में 50 ओवर का मैच होता है, T20 में 20 ओवर का मैच होता है और टेस्ट में 5 दिन का खेल होता है। हर एक टीम को 6 इनिंग्स होते हैं। एक इनिंग्स में वो जितने रन बनाती है, दूसरी टीम अगर उससे ज़्यादा रन बनाए तो वो उसको लीड्स करती है। फिर उसके बाद ऐसा 6 इनिंग तक के ये टेस्ट चलता है। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको हम प्लास्टिक के भी बॉल से खेलते हैं, हमारे टेनिस के बॉल से भी खेलते हैं, रबर के बॉल से भी खेलते हैं और इंटरनेशनल बॉल जो जिसे खेला जाता है, जिसे हम लेज़र का बॉल कहते हैं, उसके ज़रिए भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी मालूमात आपको पसंद आई होगी और आपके समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।